चलिए, आप लोग आज खोआ बनाना बता रहे हैं। गैस ऑन कर दिए है, हाई फ्लेम पर मेरा गैस है। यहाँ 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा ही दूध होगा। और दूध को हम बॉयल कर दिए हैं, पहले से थोड़ा बॉयल किया हुआ दूध है। इसको जब भी खोआ बनाइएगा हाई फ्लेम पर बनाइएगा। अब इसको हम बराबर चलाते रहना है, रुकना ही नहीं, ताकि नीचे बैठ जाएगा। और जब भी खोआ बनाइए थोड़ा मोटे तले की कढ़ाई लीजिए, पतला वाला में थोड़ा नहीं बन पाता है, अच्छे से जल जाता है। बाकी मोटा जो कढ़ाई होता है ना, उसमें बनाइएगा तो बड़ा अच्छा से खोआ बन जाता है। देखिए, यह हमारा 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही दूध होगा, क्योंकि बॉयल हम कर दिए हैं, बॉयल किया हुआ दूध है। इसको बराबर चलाना है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा तो जल जाएगा। गैस हाई रखिएगा और धीरे धीरे इसको बराबर चलाते हैं। जितना हाई फ्लेम पर जल्दी दूध सूखेगा, और उसको बराबर चलाते रहना है, तब हमारा खोआ अच्छा बनता है। इसको खोआ कह सकते हैं, मावा कह सकते हैं। अभी त्यौहार का सीज़न चल रहा है, तो आप इसे अनरसे में भी डाल सकते हैं, या फिर पिड़ुकिया बना रहे हैं, गुजिया बना रहे हैं, तो उसमें भी खोआ अच्छा लगता है डालने में, उसमें भी आप डालिए। इसी तरह से खोआ बनता है। इसमें हम कुछ भी नहीं मिक्स कर रहे, सिर्फ दूध है, दूध से खोआ हम बना रहे हैं, में कुछ भी मिक्स नहीं है। हाँ, इस तरह से बराबर चलाते रहिए, नहीं तो जल जाएगा। देखिए खोआ कैसे बनता है, घर में ही बनाइए, शुद्ध होता है, बाहर से क्यों लाना। इस तरह से खोआ आराम से बन जाता है। इसको इस तरह से खोआ बना के आप चाहे तो गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। थोड़ा मेहनत लगता है, बाकी घर का खोआ हो जाता है शुद्ध खोआ, और टेस्टी भी बनता है। इससे अनरसा हुआ, आपका पिड़ुकिया का भी स्टफिंग बना सकते हैं, उसमें भी बहुत टेस्टी लगता है डालने में खोआ। देखिए इस तरह से एकदम गाढ़ा दूध हो गया है मेरा। बराबर चलाते रहना है, नहीं तो जल जाएगा। एक बार आप लोग ज़रूर खोआ बना के देखिएगा जो कैसे हम बना रहे हैं। घर का बना हुआ खोआ, अपने हाथ का बना हुआ, उससे बहुत ही टेस्टी अच्छा लगता है, शुद्ध भी होता है। देखिए ये बराबर इस तरह से चलाते रहिए। देखिए हमारा खोआ बन गया। और इस तरह से जब आ जाए तो आप इसको बराबर ही चलाना है, क्योंकि नहीं चलाइएगा तो नीचे जल जाएगा। देखिए कितना बढ़िया हमारा खोआ बन गया है। देखिए ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा हो गया। अब इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा खोआ मावा बन गया। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है, आप किस जगह से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। देखिए कितना बढ़िया खोआ बना है।